माय नेम इज़ महीना है। माय रोल नंबर इज़ 34। मेरे प्रोजेक्ट का नेम है यूनिवर्सिटी एडमिशन ऐप एट लॉगिन मॉड्यूल विद डेटाबेस एंड 2 and 3 द मॉड्यूल्स। स्टार्टिंग में मैंने स्प्लैश स्क्रीन क्रिएट किया है, जिसके एग्जाम कोड में इमेज व्यू ऐड किए हैं, टेक्स्ट व्यू ऐड किए, प्रोग्रेसिव बार ऐड किया। फिर जावा कोड में जौन सा टाइम ड्यूरेशन बताएगी, कितने टाइम पीरियड के लिए जौन सा स्प्लैश स्क्रीन शुरू होगी और नेक्स्ट जौन सा वो मेन एक्टिविटी ओपन हो जाएगी। मेन एक्टिविटी में 2 बटन सेट किए हैं, साइन अप एंड लॉग इन का। जब यूज़र साइन अप पे क्लिक करेगा तो नेक्स्ट साइन अप एक्टिविटी ओपन हो जाएगी, और जब यूज़र लॉग इन पे क्लिक करेगा तो नेक्स्ट लॉग इन एक्टिविटी ओपन हो जाएगी। लॉग इन एक्टिविटी में यूज़र अपना ईमेल नेम और पासवर्ड एंटर करेगा। इसे डेटाबेस से कनेक्ट किया, जो भी यूज़र यहाँ पर अपना डाटा एंटर करेगा वो डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा। लॉग इन एक्टिविटी जो सी है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूज़र के लिए होती है, और साइन अप एक्टिविटी जो सी है वो न्यू यूज़र के लिए होती है जो रजिस्टर्ड नहीं होते। तो साइन अप एक्टिविटी के थ्रू जो न्यू यूज़र हैं वो अपना नेम पासवर्ड एंटर करेंगे, साइन अप बटन पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट होम एक्टिविटी ओपन हो जाएगी। होम एक्टिविटी के स्टार्ट में 4 बटन सेट किए हैं, नोटिफिकेशन बटन पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट 2 नोटिफिकेशन शो होगा, एडमिशन 2021 लास्ट डेट एक्सटेंडेड अप टू 30/12/2021। इसके अलावा इसमें होम स्क्रीन में मैंने ऑप्शन मेन्यू ऐड किया, ऑप्शन मेन्यू में डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं अबाउट एडमिशन रूल्स एंड लॉगआउट। जब यूज़र अबाउट पे क्लिक करेगा तो नेक्स्ट अबाउट एक्टिविटी ओपन हो जाएगी, जिसमें यूनिवर्सिटी का वी एन मिशन और यूनिवर्सिटी के रिलेटेड लिखा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट एडमिशन पे जब क्लिक करेगा यूज़र तो एडमिशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यूज़र इसमें अपना डाटा एंटर करेगा और इसमें सबमिट कर देगा। नेक्स्ट लास्ट पे जो सा वो लॉग आउट की ऑप्शन अवेलेबल है, जब यूज़र लॉग आउट पे क्लिक करेगा तो वापस मेन एक्टिविटी पे आ जाएगा। अब इस ऐप को मोबाइल पे रन करके देखते हैं। ये यूज़र लॉग आउट करके वापस मेन एक्टिविटी पे आ गए हैं और ये ऐप प्रॉपर रन हो रही है।